हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉर्निंग ट्रेडिंग। गाइस, अब तक की हमने जो वीडियोस में बात की थी, पर डे ऐसे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में, कुछ ऐसे सिग्नल्स के बारे में, कुछ ऐसे पैरामीटर्स के बारे में जिनको सीख करके आप सभी ने प्रॉफिट गेन किया। कमेंट्स आए, फीडबैक्स आए। एंड गाइस, आप सभी को मैंने बताया था कि आगे आने वाली आप सभी को वीडियोज़ में पर डे एक कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। पर डे एक कैंडल्स का ऐसा पैटर्न देखने को मिलने वाला है जिनको अप्लाई करके आप ट्रेडिंग चार्ट्स पर अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, लॉस कवर अप कर सकते हैं। उस फ्लो में आज हम जिस कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करने वाले हैं वो है हैंगिंग एंड हैमर। प्रीवियस वीडियो में आप सभी ने देखा हो तो मैंने ऐसे बहुत सारी कैंडल्स के बारे में शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी बताई हुई हैं जिनको अप्लाई करके आपने शायद प्रॉफिट गेन किया भी हो, अप्लाई किया भी हो। एंड मैंने पर डे ऐसी कुछ कैंडल्स के बारे में कुछ ऐसे पैरामीटर तैयार करके आप सभी को बताए थे। देखा होगा वीडियोज़ में, नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल उस पैटर्न में जो हमने फर्स्ट कैंडल की बात की थी, हैमर एंड हैंगिंग मैन, आज मैं उसी की बात करने वाली हूँ। किस तरह से हम अपने लाइव चार्ट में किस तरह से हैमर एंड हैंगिंग को देख करके, उसको ढूंढ करके किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, अपने ट्रेड को विन कर सकते हैं। ओके, सारी चीज़ों को आज हम कवरअप करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूं, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए। एंड गाइस, वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए आप सभी को, जिसमें डेली कुछ ना कुछ फ्री श्योर शॉट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए हुए जाते हैं। वहां से आप हमारे VIP ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड अगर क्यूडेक्स पर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, अकाउंट क्रिएट करके ID कंफर्म करवा के डिपॉजिट कंप्लीट करके आप हमारे VIP ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, जिसमें आप सभी को और मोर ट्रेड्स प्रोवाइड कराई जाती हैं और मोर ट्रेड लेकर के आप मोर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ओके, जिनका लॉस हुआ पड़ा है वो लॉस कवर अप कर सकते हैं। तो गाइज, ज्वाइन फास्ट एंड वीडियो शुरू करते हैं। और ये हैमर एंड हैंगिंग मैन कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो गाइज, प्रीवियस वीडियो में आप सभी ने अगर देखा हो तो हमने बहुत सारी ऐसी कैंडल्स के बारे में बात की थी कि किस कैंडल से मार्केट का रेशियो क्या रहता है, क्या चांसेस रहते हैं उसके किस डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, बहुत सारी चीज़ हमने ऐसी चीज़ों को कवर किया था। एंड जो कैंडल्स हमारी हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, ग्रेवस्टोन 2G, ड्रैगन फ्लाई 2G, लॉन्ग लेग 2G, न्यूट्रल 2G, वेरियस एवेंडेड बॉडी, चाइल्ड बार, स्पिनिंग टॉप एंड मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, मारबूजो, बहुत सारी कैंडल्स के बारे में बात की थी। कि और पर डे मैंने ये भी बताया था कि किस कैंडल के चार्ट में बनने पर मार्केट किस डायरेक्शन की ओर फ्लो ले सकता है, क्या चांसेस रहते हैं उसके, और ये कब कब अप्लाई होता है। ओके, तो आज हम उसी नॉलेज को बहुत ज़्यादा डीपली इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो गाइज, फर्स्टली मैं अगर बताने वाली हूँ जो जिस कैंडल के बारे में, तो वो है हैमर एंड हैंगिंग मैन। हमने उस प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि हैमर और हैंगिंग मैन के बनने पर कि मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये किस तरह से मार्केट में अप्लाई हो सकता है, कैसे हम इनको ढूंढ सकते हैं मार्केट में, किस तरह से इनको अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके चांसेस क्या रहते हैं। ओके, तो फर्स्टली अगर आप इसके बारे में गूगल पर भी नॉलेज ले सकते हैं, आप सब जानते ही हैं जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, हैमर एंड हैंगिंग मैन ये क्या होते हैं, किस तरह के बनते हैं, सब थोड़ा बहुत तो जानते हैं। बाकी मैं आप सभी को अगर बता दूँ, हैमर इसमें ख़ास बात ये रहती है कि इसका जो बॉडी पार्ट रहता है वो लगभग एबव 3/4 रेशियो का रहता है एंड इसकी जो शेडो रहती है, लॉन्ग शेडो, वो एबव 75 पार्ट्स की रहती है, लंबी शेडो होती है इसकी। हैमर की बात करें तो ये ग्रीन कलर का हो सकता है और रेड दोनों कलर का होता है। ओके, हैमर में खास बात ये होती है कि जो हमारा ग्रीन कलर का हैमर बना होगा उसमें हमारा बॉडी पार्ट बना होगा वो अपर अप डायरेक्शन की ओर होगा एंड उसका जो उसका शेडो होगा वो डाउन की तरफ होगा। एंड वही अगर उसके सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड हैमर पार्ट की बात करें, तो वो रेड कलर का जो हैमर होगा वो रेड कलर का, उसमें भी ऊपर जो बॉडी पार्ट होगा अप डायरेक्शन की ओर होगा एंड उसकी जो शेडो बनी होगी वो नीचे की ओर होगी। ओके, मतलब आप समझ गए, मैं इसको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो ये एक हथौड़े की तरह देखने में नज़र आता है। तो आप इसको पहचान कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग चार्ट पर एक हथौड़े की तरह प्रॉपर, जिसमें एक प्रॉपर हथौड़े की तरह ऊपर बॉडी पार्ट दे रखा होता है एंड हथौड़े के हैंडल की तरह उसका जो लॉन्ग शेडो दे रखी होती है। तो आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें हैमर,
तो हमारे लाइव चार्ट में जब हैमर बनता है तो इसमें हम हथौड़े की तरह किसी भी कैंडल पैटर्न में देख सकते हैं कि हमारा अगर हथौड़ा बन रहा है मतलब ये हमारा हैमर बन रहा है, और हैमर बनने पर अगर हमारी रेड कैंडल बनती है अपवर्ड की ओर एंड ओके ग्रीन कलर का हैमर बनता है मतलब ग्रीन कलर का हथौड़ा बनता है तो हमारे चांसेस रहते हैं डाउन डायरेक्शन की ओर, मतलब हमारा मार्केट अपवर्ड से डाउन डायरेक्शन की ओर जाने वाला है। अगर वही हमारा हैमर रेड कलर का देखने को मिलता है मतलब सीधा हथौड़ा रेड कलर का ओके, तो मतलब इसका चांसेस ये रहता है कि हमारे मार्केट में जब भी ये हमें हैमर देखने को मिले रेड कलर का तो हमारा मार्केट डाउन डायरेक्शन से अपवर्ड की ओर जाने वाला है ओके। मैंने पिछली बार आप सभी को बताया था कि ये सारी चीज़ें कैंडलस्टिक्स किस पैटर्न पर वर्क करती हैं, किस तरह से उनके बनने पर मार्केट किधर किधर जा सकता है, शॉर्ट ट्रिक्स में बताया था मैंने आप सभी को, बोला था इनको नोट करके आप वॉल पर लगा सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं ओके। तो हैमर के बनने पर अगर मैं फसल इसको आप सभी को अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगी, हैमर के बनने पर हमारा जब सीधा थोड़ा बनता है तो हमारा मार्केट ग्रीन बनने पर डाउन की ओर जाता है एंड रेड बनने पर अपवर्ड की ओर जाता है ओके। वहीं अगर हम हैंगिंग मैन की बात करें तो हैंगिंग मैन मतलब इसको आप आइडेंटिफाई करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये हमारा उल्टे हथौड़े की तरह देखने में लगता है ओके। उल्टा हथौड़ा मतलब उसका जो बॉडी पार्ट होगा वो हमारा नीचे की डायरेक्शन की ओर होगा एंड उसका जो शेडो होगा वो जो मतलब कह सकते हैं कि हथौड़े का हैंडल जो होगा अपवर्ड की ओर होगा, मतलब समझ रहे हैं हथौड़े को जिस तरह से उल्टा कर सकते हैं ये देखने में उसी तरह लगता है। हैंगिंग मैन और ये हैंगिंग मैन दोनों इसी कलर के हो सकते हैं, इसी तरह के हो सकते हैं रेड और ग्रीन दोनों ओके। तो जब भी हमारा मार्केट में हैंगिंग मैन देखने को मिलता है रेड कलर का तो हमारा ये इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट डाउन से अपवर्ड की ओर जाने वाला है ओके। एंड अगर वही हमें मार्केट में हैंगिंग मैन देखने को मिलता है रेड कलर का तो रेड कलर का हमें ये इंडिकेट करता है हमारे मार्केट के भी 90% चांसेस हैं ऊपर से डाउन डायरेक्शन की ओर जाने ओके, अपवर्ड से डाउन की ओर जाने के लिए फ्लो कर सकता है ओके। तो इनको मैं अप्लाई करके आप सभी को दिखाने वाली हूँ। अगर इनकी हम बात करें हैमर देखने में इनको लुक वाइज बात करूँ तो आप इनको देख सकते हैं ये कुछ इस तरह के होते हैं ओके। मैं आप इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ज़रूरी भी है आप सभी को एक थोड़ा सा इंडिकेट मिल जाएगा, ये खास इसी तरह के होते हैं ओके। इनमें एक रेड हो सकता है एंड एक ग्रीन ओके। सीधा हथौड़ा मतलब हमारा हैमर बन रहा है, उल्टा हथौड़ा मतलब ये कुछ हमारा इस तरह से ये हैंगिंग मैन बन रहा है ओके। एंड अगर इनको हम देखें तो ये इनको शो नहीं कर सकती मैं, इस तरह के कुछ ऐसे हमारे मार्केट में अप्लाई होते हैं। बाकी मैं इनको आप सभी को हैमर एंड हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को अप्लाई करते हुए ट्रेडिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो होप सो आप सभी को ये नॉलेज बहुत समझ में आई होगी, समझ गए होंगे किस तरह से मार्केट में हमारे हैमर और हैंगिंग मैन बन सकते हैं ओके। बहुत हमने ईजिली हमने लैंग्वेज में आप सभी को बताया है, इनको अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ कि हम किस तरह से मार्केट में हैमर एंड हैंगिंग मैन को ढूंढ करके हम ट्रेड कर सकते हैं। और ये बताऊँ तो हमारा बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे अगर जो फर्स्ट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न में जो चीज़ आती है वो हमारे उस लेसन में तो हमारी फर्स्ट कैंडल आइडेंटिफाई वाली हैमर एंड हैंगिंग मैन होती है ओके। इसके अलावा बहुत सारी कैंडल्स होती हैं लेकिन अगर पहले नंबर पर कोई कैंडल आती है तो वो हमारी हैमर एंड हैंगिंग मैन होती है ओके। तो हम फिलहाल चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर आप सभी को मैं अप्लाई करके दिखा सकती हूँ कि ये किस तरह से अप्लाई होते हैं, किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओके। गाइस मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट पर, जिसमें आप सभी को मेरे लाइव अकाउंट में $15,300 का लाइव बैलेंस शो हो रहा होगा, आप सब देख पा रहे हैं। एंड गाइस आज की इस वीडियो में कैंडलस्टिक्स पैटर्न पार्ट वन की इस सीरीज में आप सभी को मैं बताने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ हैमर एंड हैंगिंग मैन के बारे में, ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से इनको अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ों को हम कवर अप करने वाले हैं। एंड गाइज कैंडलस्टिक्स पैटर्न की प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, शॉर्ट तरीके से मैंने सारी शॉर्ट ट्रिक्स आप सभी को बताई थी, अप्लाई करके दिखाई थी। एंड आप सभी को मैंने नोट करके दिखाया था कि इन सभी चीज़ों को आप नोट करके रखिएगा, कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ट्रेडिंग टाइम पर आप सभी को बहुत ईजिली वर्क करने वाले हैं। आप सभी के माइंड में एक प्रश्न तो आता होगा कि मैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न की सीरीज क्यों निकाल रही हूँ, क्यों आप सभी को इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में बता रही हूँ। तो गाइज कैंडलस्टिक्स पैटर्न को जानना, आइडेंटिफाई करना, उनको अप्लाई करना उतना ही ज़रूरी है जितना ये श्योरिटी आप जितना ज़्यादा चाहते हैं ओके। आप अपने फंडामेंटल्स, अपनी स्ट्रेटजी, अपने इंडिकेटर्स, आप सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं अपने ट्रेडिंग करते समय टाइम पर। लेकिन अगर गाइज कैंडलस्टिक्स पैटर्न की सीरीज़ को आप
सीखने के बाद जानने के बाद उनको अप्लाई करते हैं, कैंडल स्टिक्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उन पर ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर ये हमारी श्योरिटी हो जाती है कि जिस इंडिकेटर को, जिस हम फंडामेंटल को, जिस स्ट्रेटजी को हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई हमें अपना आइडेंटिफाई किया हुआ है, हमें कैंडल स्टिक्स दिखाई दे जाता है, तो वहाँ पर ये हमारी श्योरिटी हो जाती है कि हमारा एनालिसिस, हमारी कैंडल स्टिक्स पैटर्न की स्ट्रेटजी, हमारी फंडामेंटल्स, हमारे सिग्नल्स, हमारे इंडिकेटर्स, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें अपआउट की ओर या फिर डाउनवर्ड की ओर ट्रेड प्रेस करना चाहिए। एंड हमारे यहाँ पर चूंकि हैमर बन गया है या फिर हैंगिंग मैन बन गया है या फिर ड्रैगन फ्लाई या फिर ग्रेवस्टोन दोजी या फिर तमाम ऐसी कैंडल्स बन गई है, तो मतलब हमारा चांसेस है कि मार्केट अपआउट जाएगा या फिर डाउनवर्ड जाएगा होगा। ओके, इसीलिए हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पार्ट वन की इस सीरीज़ में हैमर एंड हैंगिंग मैन के बारे में। बहुत ईजी लैंग्वेज में आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगी किस तरह से ये वर्क करते हैं एंड इसका लुक्स कैसा होता है, किस किस जगह पर ये अप्लाई हो सकते हैं। ओके, कैसे हम इनको अप्लाई करके सारी चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मुझे यहाँ पर अपने इस UR/USD के चार्ट पर 82 प्रॉफिट रेट पर मुझे यहाँ पर अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा कहाँ गया, कुछ ये रहा, इसको हम कह सकते हैं। ओके, ये हमारा हैंगिंग मैन बन रहा है रेड वाला, मैं आप सभी को बताया हुआ है हमारा रेड कलर का हैंगिंग मैन बनता है, वहाँ मार्केट हमारा अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाता है। ओके, मतलब डाउन डायरेक्शन की ओर फ्लो होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये हैंगिंग मैन बना हुआ है रेड कलर का, तो यहाँ पर जो हमारी जो नेक्स्ट कैंडल बनी है श्योरिटी के साथ, यहाँ पर लंबी सी बॉडी पार्ट बनाते हुए मेरी रेड कैंडल बनी है। ओके, तो आप इसके बन जाने के बाद जैसे भी यहाँ पर आप यहाँ पर कहीं पर भी आप यहाँ डाउन के लिए ट्रेड प्रेस करते तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर प्रॉफिट होता। ओके, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मुझे और कोई यहाँ पर हैमर या हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये मुझे छोटा सा ये हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये। ओके, ये दिख रहा है यहाँ पर, और मुझे कौन सा दिख रहा है, एंड ये हमारा ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, यहाँ पर भी हमारा डाउन गया है। ओके, ये हमारा तो गाइज़, में अगर मैं इस करेंसी पर URJPY की करेंसी पर मैं आप सभी को अगर दिखाऊं हैंगिंग मैन, तो गाइज़ मुझे यहाँ पर हैंगिंग मैन अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ इसने एकदम से ट्रेंड चेंज किया है, फ्लो चेंज किया है। ओके, डायरेक्शन अलग मोड से ले ली, तो आपको ये अगर ये वाला आपको ये दिख रहा हो, ये हैंगिंग मैन दिख रहा हो उल्टा हो, उल्टा हाथ थोड़ा ग्रीन कलर का, यहाँ से पूरा इसने पूरा फ्लो ले लिया इसने अपवर्ड की ओर। ओके, इससे पहले अगर कहीं मुझे दिखाई दे रहा हो, यहाँ इसने हैमर बनाया है ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर के हैमर बनने पर मैं आप सभी को बताया है कि जब भी हमारा मार्केट में ग्रीन कलर का हैमर बनता है, सीधा हथौड़ा बनता है, वहाँ मार्केट हमारा अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाता है, और यहाँ कंटिन्यू डाउन गया, कंटिन्यू आप कहीं पर भी ट्रेड लगा सकते थे, मार्केट डाउन गया। ओके, कहीं पर भी ये सारा का सारा मार्केट यहाँ डाउनवर्ड गया। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर मुझे हैमर बना इसने डाउन की ओर फ्लो लिया। ओके, एंड यहाँ इसने ये हैंगिंग मैन बना है हमारा उल्टा हथौड़ा, एंड यहाँ पर कंटिन्यू हमारा डाउनवर्ड गया मार्केट। ओके, तो सारी चीज़ें हमारी कंसीडर मैं कर रही हूँ, आपको होप सो समझ में आ रही होंगी। ओके, बहुत बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, बहुत अच्छी सीरीज होती है ये। कंटिन्यू उसने यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर अपना रेड कलर का हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू हमारा मार्केट डाउनवर्ड की ओर गया है, जा रहा है। ओके, ट्रेड हमारा यहाँ टाइम मिस हो गया, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को फिर से अगेन ये ट्रेड करके दिखाती हूँ। ओके, तो गाइज हमारे पास अभी 5 सेकंड का टाइम है। ओके, देखते हैं कि इसके बाद हमारा अगेन डाउनवर्ड जाएगा कि अपवर्ड भी जा सकता है। फिलहाल मुझे लगा डाउनवर्ड जाएगा, मैं 2 ट्रेड यहाँ पर अगेन डाउन की ओर इन्वेस्ट करूँगी। ओके, मैंने ट्रेड ले ली है। ओके, इस हैमर को देखते हुए, एंड ये अभी मार्केट मेरे हिसाब से यहाँ तक डाउनवर्ड जाना चाहिए। ओके, लेकिन इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, हम वेट करेंगे। 45 सेकंड का मेरे पास टाइम है। ओके, वेट करेंगे। $2,000 हमने डॉलर इन्वेस्ट किए हुए हैं, 45 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 36, 35 सेकंड्स का टाइम है हमारे पास। ओके,
देखते हैं स्टूडेंट का हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। हमें इसी रेड हैनर रेड हैंगिंग मैन के सिंबल को अप्लाई करते हुए, फंडामेंटल को अप्लाई करते हुए, एनालिसिस को यूज़ करते हुए, कैंडल स्टिक पैटर्न शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हुए हमने ट्रेड ली है। ओके, वेट करना है हमारे पास, हालांकि बहुत क्लोज पॉइंट पर है। ओके, अगर यहाँ पर हमारा हैमर बन जाता है रेड कलर का तो डेफिनेटली हमारा मार्केट अपॉर्ट की ओर जाएगा। ओके, लेकिन फिलहाल ये ऊपर वाले हैंगिंग मैन के हिसाब से ये कैंडल डाउन पर क्लोज होनी चाहिए। ओके, 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1, देन ये ट्रेड हमारी अगेन विन हो चुकी है। ओके, एंड हमने आप सब देख रहे हैं कि 3780 हमारा बैलेंस हो चुका है। ओके, एंड ये हमारी कुछ कंटिन्यू ट्रेड हिस्ट्री है, अगेन मैं आप सभी को दिखा दूँ विन की हुई। ओके, तो अभी हमारे लाइव अकाउंट में 16,720 का लाइव बैलेंस हमारा हो चुका है। ओके, तो देख पा रहे हैं, तो होप्स आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी होता है, बहुत अच्छा रहता है, हमें इसको अप्लाई करना है। तो गाइज, आप सभी ने देखा किस तरह से हमारे ट्रेडिंग मार्केट चार्ट में हैमर और हैंगिंग मैन किस तरह से अप्लाई हो सकते हैं, किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने अपनी जनरली लैंग्वेज में जो हम जिस तरह से इनको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे करके आप सबको समझाया है। होप्स आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा हैमर और हैंगिंग मैन। आज की इस वीडियो देखने के बाद आप सभी इस हैमर और हैंगिंग मैन को भूलेंगे नहीं, मार्केट में आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, प्रॉफिट भी गेन कर लेंगे। ओके, तो होप्स आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, एंड गाइज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एंड मोस्ट ऑफ थिंग अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका मोस्ट वैल्यूएबल कमेंट हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छा वर्क करने के लिए। तो गाइज आज की इस वीडियो में फिलहाल तो हमने बात की थी हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में। फिलहाल कल की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेवस्टोन एंड ड्रैगनफ्लाई डोजी के बारे में। ये डोजी क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हम कल कवर अप करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यू बताया ही था कि कौन सी कैंडल किस डायरेक्शन की ओर फ्लो ले सकती है, उसी के हम सीरीज में बात करने वाले हैं ग्रेवस्टोन एंड ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। ये किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमारी इजली लैंग्वेज में हम किस तरह से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो भी मिस मत कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।